तो हाय यार, मैं हूं हुसैन अली खान। आप देख रहे हैं दाबरो पोल्ट्री। आज है ये मेरे पोल्ट्री फार्मिंग का 23वां दिन और 23वें दिन पे काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है। तो आजकल पूरा 23वां दिन जानने के लिए यार वीडियो पे अपना अपना एक लाइक कर दो और वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहो। तो सबसे पहले जो 23वें दिन में हम लोगों ने इसमें मैनेजमेंट चेंज किया था, वो किया था फीडर का, और फीडर को हम लोगों ने काफ़ी ऊपर उठाया है। नॉर्मल सा ऊपर नहीं, काफ़ी ऊपर उठाया कि इन लोगों को अपनी गर्दन ऊँची करके खाना पड़े। खैर, लेकिन जो ईंटे पे उसको उतना ऊंचा नहीं उठा पाए। खैर, ईंटे वाले का मैनेजमेंट कुछ अलग करना पड़ेगा आने वाले बैचेस में, लेकिन अभी के लिए जिसमें जहाँ पे हम लोगों के पास रस्सी है वो वाला मैनेजमेंट ठीक हो गया फीडर के मामले में। और नॉर्मल जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि करीब 15 फीडर लगा है, 7 इस बगल लगा है और बीच में एक लगा है। और पानी के लिए नॉर्मल सादा पानी चला था, जो इन लोगों का फर्स्ट वाटर था सुबह के टाइम में, जो इन लोगों सॉरी शाम के टाइम में, क्योंकि बच्चे ये शाम में आए थे, तो जो इन लोगों का शाम के टाइम में जो इन लोगों का फर्स्ट वाटर था उसमें इन लोगों को सादा पानी, एकदम से सादा पानी नॉर्मल दिया गया था उस टंकी में का, ओके। लेकिन जब इन लोगों का सेकेंड पानी हम लोगों ने सुबह में लगाया था तो इन लोगों को दिया है हम लोगों ने PGCF गोल्ड दिया है, और PGCF गोल्ड को हम लोगों ने 60 ग्राम PGCF गोल्ड इन लोगों को पानी में दिया है, जो कि अभी चल रहा है। और कुछ ड्रिंकर में पानी ख़त्म हो गया, उसको चेंज किया गया तो उसमें नहीं होगा, लेकिन इन लोगों को PGCF गोल्ड दिया गया है क्योंकि मैं ये मंगवाया था जिप्रोमिन मंगवाया था थोड़ा सा इन लोगों के और ग्रोथ एक्स्ट्रा बढ़ने के लिए, क्योंकि सारे बर्ड तो ठीक है, लेकिन जैसे कि ये एक बर्ड जो यहाँ पर खड़ा हुआ है इसका बॉडी वेट मुझे कुछ कम लग रहा है कि नॉर्मल से ये बॉडी वेट कम है। और भी ऐसे ही कुछ बॉडी बर्ड्स हैं जिसका बॉडी वेट अभी के टाइम में, खैर क्या तो जो 21वें दिन का बॉडी वेट आया था वो तो ठीक है, जैसे कि आपको कुछ बर्ड देख सकते हो उन लोगों को देख के भी आपको लग रहा है कि हाँ बॉडी वेट इनका ठीक है, लेकिन आपको अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो इसमें जो है 5 मुर्गे 6 मुर्गियाँ ऐसी मिल जाती हैं जिनका बॉडी वेट कम है, तो उनका भी बॉडी वेट लगभग इन जो बॉडी वेट चल रहा है उसी की तरह से लाने के लिए मैंने इन लोगों को जिप्रोमिन देने का सोचा। खैर, जिप्रोमिन नहीं आ पाया है, आज आने वाला था नहीं आ पाया क्योंकि जमाल भाई अभी वहाँ पे हैं, लखनऊ में हैं, उनके मम्मी का इलाज चल रहा है तो वहाँ पे हैं। जब वो आ जाएंगे तो क्योंकि लाना उन्हीं का काम है, जिप्रोमिन जो है लाना उन्हीं का काम है, क्योंकि अकेले अगर गोरखपुर सिर्फ और सिर्फ जिप्रोमिन लेने के लिए जाऊँगा तो वो मुझे काफ़ी महंगा पड़ जाता है। उनके काफ़ी सारे दोस्त हैं जो गोरखपुर से आते रहते हैं तो वो मंगवा देते हैं। खैर, वैसे भी मैं वो 19 तारीख को गोरखपुर जा रहा हूँ, वो जो पोल्ट्री मेला लग रहा है उसके लिए पोल्ट्री मेला की मैंने वीडियो अलग से बनाई है, अगर आपने पोल्ट्री मेला की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाके देख लो, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दे दूँगा। काफ़ी अच्छा मेला लग रहा है गोरखपुर में पोल्ट्री का, पोल्ट्री से रिलेटेड, और मैं खुद भी आ रहा हूँ। 19 तारीख को आऊँगा, 18, 19, 20 तीन दिन रहेगा, लेकिन मैं 19 तारीख को उसमें जा रहा हूँ, तो आप लोग भी अगर जो पोल्ट्री वहाँ से नज़दीक के लोग हैं तो वहाँ पे आ सकते हैं। तो यही रहा है आज का टोटल 23वें दिन का मैनेजमेंट। खैर, 24वें दिन की जो वीडियो होगी, 24वें दिन की वीडियो में हम लोग बात करेंगे असाइटिस के बारे में, क्योंकि ठंडियाँ आ रही हैं, जैसे जैसे ठंडियाँ नज़दीक आती जाती हैं बर्ड के पेट में जो है 21वें दिन के बाद से बर्ड के पेट में पानी भरना चालू हो जाता है, पीला सा उसका पोस्टमार्टम करो तो पीला पानी निकलता है, तो वो सब केसेस देखने को मिलता है। तो कल की जो वीडियो होगी वो फुल्ली असाइटिस के ऊपर होगी। वैसे तो मैंने एक असाइटिस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे ऊपर दे दूंगा, तो वो देख के जाके देख सकते हो। असाइटिस मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये भी जैसा कि गाउट का जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी गाउट के ऊपर, गाउट की तरह असाइटिस भी है। असाइटिस भी एक मैनेजमेंटल प्रॉब्लम है और गाउट भी एक मैनेजमेंटल प्रॉब्लम थी। खैर, जब असाइटिस की वीडियो और डिटेल में बनाऊँगा तो आप उसको और डिटेल में देख के समझ सकते हैं। 23वें दिन में आज बस इतना ही। मैं हूं हुसैन अली खान, आप देख रहे थे दा ब्रो पोल्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग दा ब्रो पोल्ट्री।